हेलो गाइस, सो कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं BNS के बारे में, जो है भारतीय न्याय संहिता। जैसे आप सबको पता होगा कि अब IPC को रिप्लेस कर दिया गया है BNS से, और भी हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC थे उनको भी रिस्पेक्टिव बिल कर दिया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे BNS की, और BNS में एक इम्पॉर्टेंट चेंज की। अगर मैं आपको बताऊँ इन्फॉर्मेशन, तो BNS में टोटल 20 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जो कि IPC में पुरानी में नहीं थे। तो अब ये जो नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, उसकी बात मैं किसी डिटेल वीडियो में करूंगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं जल्दी ले आऊंगा। लेकिन आज मैं हम बात करेंगे पनिशमेंट्स की स्पेशली। तो देखिए, जो पनिशमेंट्स थी, हमें पता है कि जो पनिशमेंट IPC में थी इनिशियली 6 थी, और बाद में उसे 5 कर दिया गया था, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को हटा दिया गया था। तो हम पे हो गई थी 5 पनिशमेंट, लेकिन अब फिर से हमारे पास 6 पनिशमेंट हो गई है, बिकॉज BNS में एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग पनिशमेंट ऐड की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी भी चीज़ है अगर आप उसे समझेंगे तो। और उसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। अब क्या होगा कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो आपको एज अ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला जा सकता है। यार, आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि यार मर्डर, चोरी, रॉबरी, डकैती, ये सब करने वाले को अगर हम कहेंगे कि यार आप 20 दिन जाके ट्रैफिक पुलिस की मदद करो टू फॉलो द ट्रैफिक गाइडलाइंस, तो क्या ये सही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये जो पनिशमेंट मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की, ये सिर्फ पेटी ऑफेंसेस के लिए मिलेगी। ऑल्दो ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो कोर्ट में बैठे हैं जज साहब, उनको सब पता है कि कौन सी पनिशमेंट कब देनी है। तो पेटी ऑफेंस, ऐसे छोटे मोटे केसेस, कभी डिफेमेशन हो गया छोटा सा, या फिर आपने कोई भी ट्रैफिक वायलेशन किया है, या फिर आपने मतलब सिर्फ अटेम्प्ट ही किया है किसी छोटी मोटी चीज़ का, ऑफेंस का, और या आप लड़ाई झगड़े में पकड़े गए हैं, तो इसके लिए वो दे सकते हैं। उनकी मर्जी है, आप डिमांड नहीं कर सकते कि मैं कम्युनिटी सर्विस करूँगा, तो वो दे सकते हैं। अब ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये कहीं पर डिफाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर ये डिफाइन आपको मिलेगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि CRPC की जगह में आया है। उसके सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। अब उसमें क्यों किया गया है भाई? तो जब आप सेक्शन 23 में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा जो मैजिस्ट्रेट्स की पनिशमेंट पावर्स होती है, वो दी गई है कि वो कौन कौन सी कितनी कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वहीं पे बताया गया है, उसके एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। तो अब मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट मे ऑर्डर अ कॉन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की मीनिंग समझाई गई है, जिसमें बोला गया है कि वो उस कॉन्विक्ट को मिलेगी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट होगी जो कि सोसाइटी का कुछ भला कर पाए, सोसाइटी में कुछ बेनिफिट्स दे पाए, फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन, जिसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो एक पनिशमेंट के तौर पर उसे करना पड़ेगा। चाहे अब उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस की मदद कीजिए 20 दिन, कितने भी दिन हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया का आपको रैक पिकिंग करनी है, कचरा साफ करना है, या फिर आपको पेड़ लगाने हैं इतने, या फिर आपको किसी भी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में जाके अपनी सर्विस परफॉर्म करनी है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जज साहब का डिसीजन एंड जो भी उसने पनिशमेंट किया है उसको देखते हुए। तो ये है कम्युनिटी सर्विस, और यही कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है। तो बाकी बहुत सारे और चेंजेस भी हैं BNS में, अगर आप कहेंगे तो मैं उन सब के लिए एक एक वीडियो बना दूंगा। और टोटल 20 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं, और चेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।